मैं उसको स्वागत करती हूँ आपका ऑनलाइन सिलानी जीके में। और ये है रेलवे और ट्रिपल एससी पर आधारित साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बार इसमें बार बार पूछे भी जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो पूरा सीरीज देखिए, पिछले पार्ट को देखिए, ये इसका सेवन्थ पार्ट है। इसके पहले मैं सिक्स पार्ट तक अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि प्ले लिस्ट में साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक अगर नए व्यूवर है तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे जरूर दबा लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं आज का, कंटिन्यू करते हैं सेशन। पहला है आज का, फेराडे किसकी इकाई है। फेराडे इज अ यूनिट ऑफ, ये सारे आपके ऑप्शन है, ठीक है, ये सारे आपको ऑप्शन है किसकी इकाई है फेराडे। तो ये है कैपेसिटेंस की इकाई है फेराडे, ये एसआई यूनिट है इसकी। और ये किसके नाम पर रखा गया था, किसने रखा था इसे, माइकल फेराडे ने रखा था, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रिक स्टोर करने का काम करती है, इस बॉडी में इलेक्ट्रिक स्टोर होता है ये कैपेसिटेंस में, ठीक है। तो इसकी ये फेराडे इसकी इकाई है। फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो गया फर्स्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऑक्टोपस किसकी प्रजाति के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस बिलोंग टू द फाइलम, किस फाइलम में आता है ये। तो ये आता है इन सबों में से मोलस्का, मोलस्का में आता है। मोलस्का में और कौन कौन से आ सकते हैं, घोंघे आ सकते हैं, सीपी आ सकते हैं, ये सभी मोलस्का में आ सकते हैं, ठीक है, आते हैं। इसके अलावा इनके जो ब्लड होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं, क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं इसके ब्लड। और ये जो इनमें जो श्वसन होता है गिल के थ्रू होता है, या फिर इसे टिनिडिया भी कहते हैं, ठीक है, टिनिडिया ये भी कहते हैं इसे, यानी गिल से या टिनिडिया से इनका श्वसन होता है, ठीक है। इन पे कवच होता है, ये सारे इनके करेक्टराइजेशन है, ये सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया आपका फर्स्ट नंबर मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, ये सारे आपके ऑप्शन है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल कार्बोनेट थर्ड इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान क्या होता है, व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, पीएच का वैल्यू ब्लड का क्या होता है। एक पहले बताइए, जो एसिड होता है बेसिक होता है, ये जो स्केल होता है सेवन जो है न्यूट्रल होता है, ना तो वो बेसिक होता है ना तो एसिडिक होता है। अगर वो सेवन से कम है तो वो है एसिडिक, ठीक है, अगर सेवन से अधिक है तो वो है बेसिक, ठीक है। तो हमारे ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, सेकेंड नंबर इसका होगा 7.4, माइल्ड भी ये बेसिक होता है, माइल्ड बेसिक, बहुत कम बेसिक होता है ये, ठीक है। जितना आप इधर जाएंगे सेवन से कम होते जाएंगे तो ये सभी आपके एसिडिक होते जाएंगे। अगर ये पूछ लिया जाए कि एसिडिक रेन वो किसे कहते हैं, एसिडिक जो रेन होती है अम्ल वर्षा वो किसे कहते हैं, अगर 5.6 से पीएच वैल्यू से कम की वर्षा हो रही है तो ये आपका एसिडिक रेन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका सेकेंड नंबर आंसर हो गया 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है मैनग्रोव, मैनग्रोव के पेड़ हैं जिसमें क्या होता है, मैनग्रोव आर प्लांट्स दैट हैव, ये सारे आपके ऑप्शन हैं। तो रूपांतरित जड़ यानी कि मॉडिफाइड रूट होती है, मॉडिफाइड स्टेम होती है, या फिर श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं, या फिर श्वसन करने वाले तने होते हैं, ये सारे आपके ऑप्शन हैं। तो जो मैनग्रोव पेड़ होते हैं इनके देख रहे हैं आप, ये पेड़ है, ये जो जड़ें बाहर निकली हुई है, ये जड़ें बाहर निकली हुई है श्वसन करती हैं सभी, यानी कि रेस्पिरेटरी रूट होते हैं इनके, यानी कि श्वसन करने वाली जड़ें, यानी कि थर्ड नंबर इसका आंसर होगा। ये रूपांतरित मॉडिफाइड रूट क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम क्या होता है, ये मॉडिफाइड रूट होता है, जिसे कि रूट जो बेसिक वर्क है उसके अलावा भी कोई और वर्क है तो वो हो जाएगा आपका मॉडिफाइड रूट। जैसे गाजर, गाजर रूट भी, रूट तो है ही, साथ ही इसके फल में भी आ जाता है, तो यानी कि इसके दो वर्क हो गए। ये जो तो मॉडिफाइड रूट है, ये रूट है, जैसे शकरकंद भी हो गया, शकरकंद भी आपको मॉडिफाइड रूट है। मॉडिफाइड स्टेम क्या होता है, जैसे कि आलू, इसके अंतर्गत आलू आएगा, आलू जो है मॉडिफाइड स्टेम है जिसमें नोड्स होते हैं, क्या होते हैं, नोड्स, आलू में नोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, श्वसन करने वाली जड़ें होती हैं मैनग्रोव पेड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भौतिक मात्रा को सीमेंस में मापा जाता है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेंस, ये सीमेंस में मापा जाता है, ये इसकी यूनिट है, किसको मापा जाता है। तो ये विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, इसे नापा जाता है, सेकेंड नंबर को विद्युत चालकता को मापा जाता है इसमें, ठीक है। इसका जो इसको नोटिस करते हैं एस से या फिर ओम, ठीक है, एक मिनट, ओम और, ठीक है, इससे आपको करते हैं ओम से -1, ठीक है, ऐसे इसको करते हैं सीमेंस के, ठीक है। इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर विद्युत चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रंजक डाई बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ डाई, ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इसमें जो डाई बनाया जाता है, डाई जो कलर होता है, जो कपड़ों को कलर करते हैं, ये सभी जो इसमें यूज करते हैं, कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो वो करते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, ये आपका ऑप्शन थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, थर्ड नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है
मृग मृचिका बनने वाली प्रकटना को क्या कहा जाता है? द फेनोमन विच यूज मृग्स इज क्या कहा जाता है इसे? ये क्वेश्चन में कई मतलब इस क्वेश्चन को नहीं डिस्कस किया, लेकिन इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन जैसे कि बुलबुले हैं, क्यों चमकते हैं वो बुलबुले, ये सभी मैं कई बार, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, इस पर किस थ्योरी का यूज किया जाता है, किसके थ्रू ये होता है, ये सभी मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसमें ये सारे ऑप्शन में से ये होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये मृग मृचिका का होता है। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता क्या है? इसमें होता है क्रिटिकल एंगल, मैंने आपको बताया था क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सिर्फ डेंस मीडियम में चलता है, जो लाइट होती है सीधी रेखा में चलती है, जब लाइट डेंस मीडियम में ही रह जाता है ये क्रिटिकल एंगल होता है, जब डेंस मीडियम में ही रहता है और जब जाती है ये एक्सिस पे तो ये 90 डिग्री पर एंगल बनाता है, और फिर ये जो बुढ़ती है तो इसका रिफ्लेक्ट एंगल ठीक है और इंसिडेंट एंगल इक्वल नहीं होते हैं, तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ये उसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर आंसर। ठीक है, इसके अलावा इस सब के बारे में इसे क्या होता है व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस आपका क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या होता है? समान आवृत्ति, सेम आवृत्ति, सेम आयाम, और मतलब एक ही जगह एक ही प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाश निकल रही है और वो अगर जाके टकराते हैं तो ये आता होता है आपका व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। ठीक है, इस सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज फॉर मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन? ये कई बार पूछे गए हैं और अभी 100% पूछे जाएंगे भी। ठीक है, अभी आने वाले जितने भी एग्जाम हो रहे हैं रेलवे के, इसमें जरूर पूछे जाएंगे। तो इसका होता था, इसका हो जाएगा थर्ड नंबर सर, फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। ठीक है, ये इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लैंक कंस्टेंट हैज डायमेंशन ऑफ, प्लैंक कंस्टेंट जो है इसमें किसका डायमेंशन किसका होता है इसमें? तो इसमें होता है कोणीय गति। ठीक है, सेकेंड नंबर कोणीय गति। प्लैंक अचर का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, होता क्या है यानी कि एच इक्वल्स टू होता है एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एच इक्वल्स टू ई अपन वी। अगर आपको क्वेश्चन आए तो इस पर आप वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है जूल। ठीक है, जूल सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड इसका एसआई यूनिट होता है। सेकेंड नंबर इसका आंसर हो गया। ये थे आज के क्वेश्चन, आपको कैसा लगा कमेंट करके और लाइक करके बताइए, और मैं जो अभी जल्दी जल्द जो क्वेश्चन पूछेगा रेलवे के उसकी भी वीडियो लाने की कोशिश करी हूँ। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।